तो कैसे आप सभी लोग एंड आज की इस वीडियो के अंदर सच्ची में भाई स्पाइडरमैन गेम बताने जा रहा हूँ। दोस्तों आप लोगों को पता होगा सुपर हीरो गेम की बात करोगे तो सबसे पहले आता है भाई तो स्पाइडरमैन गेम खेलना तो बनता है। एंड अगर आप प्ले स्टोर पर जाओगे तो आपको सेम गेम मिलेगा यार, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ अलग अलग गेम बताऊंगा एंड इनमें से दो तीन गेम आप लोग डाउनलोड ही करने वाले हो। तो चलो गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब करो यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज कर दो यार। चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं नंबर 5 गेम के बारे में। सो गाइस नंबर 5 पर जो गेम आ रहा है इस गेम का नेम है स्पाइडर गर्ल। जी गाइस स्पाइडरमैन तो छोड़ो यार, इधर आपको स्पाइडर गर्ल भी देखने को मिल रहा है। हाँ गाइस इस गेम के अंदर आपको स्पाइडर गर्ल देखने को मिल जाता है। एंड भाई इस गेम के अंदर आपको बहुत सारे मिशन देखने को मिल जाएगा, चैलेंजिंग लेवल आपको देखने को मिल जाते हैं। एक लेवल को कंप्लीट करोगे दूसरा लेवल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है, एक साथ में बहुत सारे एनिमीज आ जाता है तो यहाँ पर फाइटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस गेम के अंदर आप लोग अनलॉक कर पाओगे डिफरेंट स्किल, आपका जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को फुल कस्टमाइज कर पाओगे। एंड भाई ग्राफिक जस्ट ओपी लेवल की है तो चाहो तो ट्राई कर सकते हो। एंड इस गेम का साइज है 150 MB एंड जो गेम है पूरी तरीके से ऑफलाइन है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, जाके एक बच्चे का कर सकती है। सो गाइस बात करते हैं नंबर 4 गेम के बारे में। तो भाई इस गेम का नेम है स्पाइडर टोटल महिम। जी हां गाइस ये जो गेम है ना मेरा फेवरेट गेम है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा था अमेजिंग स्पाइडरमैन, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, ये सारे गेम को आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाओगे यार। मेरे को पता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डाउनलोड हो जाएगा एंड्रॉइड मोबाइल पर, लेकिन नहीं होता है भाई। मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया लेकिन डाउनलोड नहीं होता है। लेकिन ये जो गेम है स्पाइडर टोटल महिम, इसको आप लोग डाउनलोड कर पाओगे एंड इसका जो लिंक है वो मिल जाएगा कमेंट सेक्शन पे, आप लोग जाके ट्राई कर सकते हो। देखो भाई इस गेम के अंदर एक स्टोरी मोड आपको देखने को मिल जाता है, काफी अच्छा आपको कंट्रोल देखने को मिलेगा, स्मूथ गेम प्ले चलता है, कोई भी लैग नहीं करता है। एंड अगर आपके पास 4GB या फिर 3GB रैम की डिवाइस है आप लोग आराम से इस गेम को डाउनलोड कर पाओगे। देखो भाई इस गेम का साइज होने वाला है 360 MB एंड जो गेम है पूरी तरीके से ऑफलाइन है। सो गाइस बात करते हैं नंबर 3 गेम के बारे में। तो भाई इस गेम का नेम है स्पाइडरमैन वेब ऑफ शैडोस। या गाइस ये गेम बहुत ही अच्छा गेम होने वाला है एंड इस गेम के अंदर आपको काफी बढ़िया ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस गेम की साइज के बारे में। तो साइज यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है, 1.2 GB के आसपास गेम का साइज जो गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन है। लेकिन भाई इस गेम को डाउनलोड तो कर लोगे लेकिन उसके बाद एक इमुलेटर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, डॉल्फिन इमुलेटर करके, जो कि आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगा। एंड जो इमुलेटर है उसका साइज लगभग 7.9 MB के आसपास होने वाला है तो उसको डाउनलोड करना है एंड उसके बाद जाके आप लोग गेम को डाउनलोड कर लेना एंड गेम को ना इस इमुलेटर के अंदर इंसर्ट कर देना, उसके बाद आप लोग आराम से इस गेम को खेल पाओगे। देखो भाई इस गेम के अंदर एक बिग ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिल जाता है, सारे के सारे विलेन एंड मॉन्स्टर वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा एंड ग्राफिक जस्ट ओपी लेवल की होने वाला है, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। एंड इस गेम के अंदर आपको एक स्टोरी मोड भी देखने को मिल जाता है तो ओवरऑल एक अच्छा गेम है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन पे। सो गाइस बात करते हैं नंबर 2 गेम के बारे में। तो भाई इस गेम का नेम है स्पाइडरमैन फैनमेड। जी गाइस इस गेम के बारे में शायद आप लोग ऑलरेडी पता होगा, आर यूजर कंपनी ने इस गेम को क्रिएट किया है एंड इस गेम के अंदर आपको काफी बढ़िया ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, स्मूथ गेम प्ले चलता है, कोई भी लैग नहीं करता है। अगर आपके पास छोटा मोटा डिवाइस है तब भी भाई आप लोग डाउनलोड करके प्ले कर सकते हो। देखो भाई इस गेम के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही मिशन देने को मिल जाता है। बेसिकली ये जो गेम है ना ये लोग बना रहे थे लेकिन भाई कॉपीराइट इशू के चलते मतलब ये जो गेम है ये रोक दिया गया एंड इस गेम को और बना नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोग इस गेम को खेल सकते हो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 1 गेम के बारे में। तो भाई इस गेम का नेम है मार्वल फ्यूचर रिवॉल्यूशन। दोस्तों इस गेम के बारे में शायद आप लोग ऑलरेडी पता होगा। जी हां गाइस इस गेम के अंदर आपको सारे के सारे मार्वल सुपरस्टार देखने को मिल जाता है, सिर्फ और सिर्फ स्पाइडरमैन नहीं, सारे के सारे आपको मार्वल जो सुपरस्टार होती है वो आपको सारे के सारे देखने को मिल जाता है इस गेम के अंदर। एंड इस गेम के अंदर जो ग्राफिक्स है भाई कंसोल लेवल की आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, ऐसा लगता है कि मैं पीसी गेम को मोबाइल फोन पर खेल रहा हूं, ऐसा आपको फीलिंग आ जाएगा। लेकिन इस गेम को डाउनलोड करने के लिए आपके पास कम से कम 4GB या फिर 6GB रैम की डिवाइस होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस गेम का साइज बहुत ही ज्यादा होने वाला है, 1.5 GB के आसपास गेम का साइज है एंड जो गेम है पूरी तरीके से ऑनलाइन है। देखो भाई इस गेम के अंदर एक स्टोरी मोड भी आपको देखने को मिल जाता है एंड सारे के सारे मार्वल सुपरस्टार आता है एंड उसके साथ यहाँ पर फाइटिंग करते हो एंड जो सिनेमेटिक शॉट होती है ना वो भाई बहुत ही अच्छा लगता है देखने में एंड यहाँ पर भाई तगड़ा फाइटिंग आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो गाइस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस गेम को एक बार डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। सो गाइस बात करते हैं बोनस गेम के बारे में। तो भाई इस गेम का नेम है स्पाइडर फाइटर 3। जी गाइस आप लोगों को पता होगा इस गेम के अंदर एक न्यू अपडेट भी आ चुका है कुछ दिन पहले एंड इसके बारे में शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। देखो भाई इस गेम के अंदर जो न्यू कैरेक्टर है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है, काफी सारे प्लेस यहाँ पर ऐड हो चुका है एंड काफी सारे मिशन वगैरह ऐड हो चुका है। इस गेम के अंदर आपको भर भर के लेवल्स देखने को मिल जाते हैं एंड जैसे आप एक लेवल को कंप्लीट करोगे ना तो दूसरा लेवल यहाँ पर और भी ज्यादा हार्ड हो जाता है, मतलब और एक साथ में ना काफी सारे एनिमीज आ जाता है तो उसको
मारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इस गेम के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स कॉम्बो आपको देखने को मिल जाते हैं, उसको यहाँ पर आप अनलॉक कर पाओगे एंड आपका जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को फुल कस्टमाइज भी कर पाओगे। एंड इस गेम के साइज होने वाला है 133 MB एंड जो गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो, यार लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। सो गाइस आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, होप करते हो कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ चुका है। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अच्छा ना ख्याल रखना, बाय बाय।